दोस्तों वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है मेरा JSW का Day 3। और जिनको अभी तक नहीं पता JSW क्या है और मैं वेलकम सेंटर क्यों जाता हूँ, तो मेरे पहले दो वीडियो देखे हो तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रेज्यूमे पर, रेज्यूमे बिल्डिंग, कवर लेटर की इम्पोर्टेंस की और कैसे बनाते हैं, सब मैं क्लास में देखूंगा। ये मुझे कल बताया था कि ये करने वाले हैं। और अपना जो भी अभी का रेज्यूमे है तो वो मंगाया, तो बैक होम जो आपके रेज्यूमे हैं वो यहाँ नहीं चलने वाले। आपको हर जॉब के लिए स्पेसिफिकली अपना रेज्यूमे टेलर करना पड़ता है, तो वो सब आज बताने वाले हैं। तो चलेंगे, अब वैसे थोड़ी लेट हो गई और मौसम थोड़ा सा क्लाउडी है, तो मैं आज भी बस लूंगा या भाई मुझे अपनी गाड़ी पे छोड़ेगा। तो ये सब बताना था आपको, तो मिलेंगे अब रास्ते पे। तो मुझे हो गई लेट और इसलिए मेरा भाई मुझे आज छोड़ने जा रहा है। वो आज घर से ही काम कर रहा है, तो लकीली आज वो मुझे वेलकम सेंटर छोड़ेगा। और आप तो जानते हैं मेरे भाई को, ये देखो। तो शायद सब सारे ना जानते हो, बट इसको सब जानते हैं। इसका एक छोटा मोटा चैनल है टेक्निकल गपशप, हम वहाँ ब्लॉग बनाते हैं, तो जाइए वो भी चेकआउट करिए, शाउट आउट टू हिम। तो भाई चल रहे हैं यार। तो भाई आज का टेम्परेचर है अभी 60 डिग्री, क्लाउडी है। अच्छा है कि आज बारिश नहीं हो रही कल की तरह, नहीं तो वाट लग जाती। बारिश में तो बहुत ठंड लग रहा है, वैसे ठंड आज भी, हवा भी काफी तेज चल रही है। तो यहाँ से कार में पहुंच जाएंगे जल्दी। और ये देखो ट्रैफिक कितना है आज, सो सो ट्रैफिक होता है। स्कूल है तो स्कूल है, तो मैं आपको कैमरा चेंज करके दिखाता हूँ अभी क्या हो रहा है बाहर। तो भाई ये देखो, मतलब ट्रैफिक काफी है भाई। इससे अच्छा हम बस में चले जाता, सुबह सुबह काफी ट्रैफिक है यार, सब ऑफिस जा रहे हैं। पहुंचने वाले हैं वेलकम सेंटर। और अभी अभी मुझे मेल आया हमारे फैसिलिटेटर का, जो हमारी क्लास ले रहे हैं, कि हमारी जो क्लास है वो मूव हो गई CDCD के मीट। तो वो हमारी क्लास जो है वो CDCD के मीटिंग रूम में मूव हो गई है और आज की क्लास वहीं होगी। फर्स्ट डे भी वहीं हुई थी पर सेकेंड डे वेलकम सेंटर के मीटिंग सेंटर में हुई थी। तो दोनों की बिल्डिंग एक ही है तो ये फ़ायदा है, बट चलो बढ़िया है पहले से पता लग गया, नहीं तो वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले कैनेडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कैसे रेज्यूमे और कवर लेटर को बनाना है, तो वो सारा डिस्कस होगा। और आप अपने रेज्यूमे और कवर लेटर को वहाँ शेयर भी कर सकते हैं, तो हमको फीडबैक मिलेगा अपने रेज्यूमे और कवर लेटर के ऊपर क्लास के सामने, अच्छी बात है। तो अब लोग अपने अपना रेज्यूमे और कवर लेटर शेयर करेंगे तो हमें भी आइडिया आ जाएगा कि लोगों ने कैसे बना रखा है। वैसे तो मेरा ठीक ठाक है, ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्री अराइवल सर्विसेज से चेक करवाया था, बट लेट्स सी आज कोई मॉडिफिकेशन होता है कि नहीं। तो चलते हैं अब सीधा वर्कशॉप में और मैं आपको मिलूँगा वर्कशॉप के बाद, क्योंकि वहाँ तो अलाउड नहीं होता, मतलब यार सही नहीं लगता ना किसी के सामने फिर तुम रिकॉर्डिंग करने लग जाओ, अकेले तो बात अलग है। तो चलो चलते हैं अब वर्कशॉप में और आपसे मिलता हूँ सीधा वर्कशॉप के बाद। चलो भाई यार थैंक्स फिर छोड़ने के लिए। अरे कैसी बात कर दी भाई, तो डालनी। थैंक यू, आज हवा भी बहुत चल रही थी, थैंक्स टू टेक्निकल गपशप। बाय बाय बाय। चल फिर बाय। अरे फोन तो रख ले अपना। अरे रख ले यार कैमरा मैन तो। भाई चल 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 ठीक है भाई, बाय बाय। तो भाई क्लास हो गई है खत्म और अब मैं जा रहा हूँ ये गो स्टेशन में। कल मैंने प्रेस्टो कार्ड रिचार्ज कराया था बट वो लोड नहीं हुआ, वो जब तक लोड नहीं होता तब तक हमें टैप नहीं करना पड़ता कोई प्रेस्टो की मशीन में। तो करता हूँ टैप, जैसे मैं बता रहा था आपको कि अरे यार हवा बहुत चल रही है, बोलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, हवा काफ़ी चल रही है। मैं स्टेशन जा रहा हूँ अपना प्रेस्टो कार्ड को टैप करने के लिए, क्योंकि जब टैप करोगे तब कार्ड लोड होता है। ऑलरेडी मैंने ऑनलाइन पैसे डाल दिए थे अपने प्रेस्टो कार्ड में। प्रेस्टो कार्ड यहाँ बसेस में भी चलता है ट्रेन के अलावा, तो आज क्लास भी अच्छी रही जाते वक्त। पहले एक काम कर लूँ फिर बताता हूँ क्लास का एक्सपीरियंस क्या रहा। मैंने अपने प्रेस्टो कार्ड का काम करवा लिया, अभी तक मनी आई नहीं है तो
दो दिन भी लग सकते हैं बोल रहे, तो मैंने $20 देके और रिचार्ज करवा लिया है, और मुझे पुराना जो माइनस में $1 का ड्यू था वो क्लियर करना पड़ा। तो हवा बहुत चल रही है, तो मैं सोच रहा हूँ बस में ही चले जाऊँ, नहीं तो सर दर्द हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली मैं घर पहुँच गया हूँ और मैंने लंच भी कर लिया है और जस्ट मुंह धो के अभी बैठा हूँ तो आपको अपडेट देने के लिए। तो आज की क्लास में रिज्यूमे और कवर लेटर पर फोकस किया गया और बताया कि मतलब एक टास्क टाइप का था, दो तीन एग्जाम्पल रिज्यूमे शेयर किए हमारे साथ और बोला कि भाई तुम्हें कौन सा रिज्यूमे अच्छा लग रहा है। तो एक रिक्वायरमेंट भी थी कि भाई ये रिक्वायरमेंट है और उसके बेसिस में रिज्यूमे है, तो आपको कौन सा रिज्यूमे अच्छा लग रहा है। तो हमको एज अ सेलेक्टर बनाया था रिज्यूमे के लिए, तो वो बहुत अच्छा था। तो सभी लोगों ने एक जैसे रिज्यूमे चूज़ किए क्योंकि उसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, टारगेटेड कीवर्ड्स थे। तो इस रिज्यूमे एक्सरसाइज से हमें पता लगा कि भाई टारगेटेड कीवर्ड्स का कितना रोल है और क्यों यूज़ करना चाहिए और क्यों स्ट्रक्चर्ड वे में हमें अपने रिज्यूमे बनाना चाहिए एज पर कैनेडियन स्टैंडर्ड। कैनेडियन स्टैंडर्ड थोड़ा सा अलग है, आप आ चुके हैं कैनेडा या आने वाले हैं तो उस पर थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में मैं एक वीडियो डिटेल बना दूँ रिज्यूमे के ऊपर। और उसके जब रिज्यूमे का हो, जब रिज्यूमे हमें दिखाने के बाद सब डिस्कशन हो गया, तो उसके बाद हमने डिस्कस किए कवर लेटर्स, कवर लेटर की इम्पोर्टेंस क्यों है। और आपको जानकर मतलब मैं तो सरप्राइज हो गया, तो मुझे पता चला कि 45% एम्प्लॉयर कवर लेटर देखते हैं। कवर लेटर से एग्जैक्टली आपको पता चल जाता है कि आपके मेन स्किल्स क्या हैं और आप क्यों इंटरेस्टेड हैं, तो इसीलिए कवर लेटर ज़रूरी है। तो कवर लेटर में ये चीज़ें होनी चाहिए, आपका नाम, आपका एड्रेस, सिटी भी चलेगा अगर आपको अपना अपार्टमेंट नंबर नहीं देना, फ़ोन नंबर, ईमेल, और आप किसको भेज रहे हैं रिक्रूटिंग मैनेजर, और उसको एड्रेस करिए। अगर आपको नाम पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद पोजीशन, किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कहाँ से आपको उस पोजीशन के बारे में पता चला, मॉन्स्टर, लिंक्डइन और जो भी अदर पोर्टल हैं जॉब के। तो उसके बाद आपको लिखना है कि आप क्यों इंटरेस्टेड हैं, और उसके बाद आपको अपनी स्किल्स बतानी है। आपने पोजीशन बता दी, स्किल्स बता दी, फिर आपको उनसे रिक्वेस्ट करना है कि भाई आई एम लुकिंग फॉर एन इंटरव्यू कॉल। तो ये सब लिख के फिनिश करके भेजना है। तो आप अभी मैंने जस्ट जनरल बता दिया, ये सब चीज़ें डाली और गूगल में सर्च करिए, बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मेट हैं, उनको फॉलो करिए। अगर नहीं मिल रहा तो मुझे बताइए, मैं कुछ करूँगा। तो जैसे मैं बता रहा था कि कवर लेटर की इम्पोर्टेंस क्या है, तो मेन बेनिफिट्स क्या है कवर लेटर के, कि वो एक आपकी पर्सनैलिटी दिखाता है कि बंदा ने, हाँ भाई बंदे ने कवर लेटर भेजा, मतलब वो जरूर, मतलब कवर लेटर भेजा तो एम्प्लॉयर को लगता है वो इंटरेस्टेड है, नहीं तो लगा भाई आलसी है, सिर्फ रेज्यूमे से उसने काम चला लिया। अगर कवर लेटर का कहीं पे सेक्शन नहीं है तो चलो रेज्यूमे लगा दो या कवर लेटर और रेज्यूमे कंबाइंड करके लगा दो, बट जहाँ पे कवर लेटर ऑप्शनल लिखा है तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि जरूर अपना कवर लेटर लगाएं और उसको एज पर दी पोजीशन चेंज कर लेंगी, सब में एक ही कवर लेटर लगा दिया। और हाँ एक बात बताना भूलिए कि रेज्यूमे में एज पर दी रिसर्च एक एम्प्लॉयर रेज्यूमे में सिर्फ 8 सेकंड देता है, 8, तो मतलब बहुत सरप्राइजिंग की बात है कि 8 सेकंड में आप क्या स्कैन कर सकते हैं रेज्यूमे को। तो हमें भी ये टास्क दिया था कि रेज्यूमे 8 सेकंड में स्कैन करो और बताओ, तो वो थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा क्या, बहुत चैलेंजिंग था। तो उसके बाद जैसे मैं बता रहा था कवर लेटर की बारी है, कवर लेटर क्यों इम्पोर्टेंट है बताया, और 45% एम्प्लॉयर कवर लेटर देखते हैं। कवर लेटर में भी आपका एक फॉर्मेट होना चाहिए अच्छा सा, जिसमें आपने स्किल्स लिखते हैं, आप क्यों पोजीशन में अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी का नाम, आपका नाम, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं उसमें, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा, सर्च कर लिया। कवर लेटर भी अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कवर लेटर लगाना मत भूलिए। तो यही मेरी एडवाइस है, कवर लेटर ज़रूर लगाइए। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है रिज्यूमे के फॉर्मेट में, कवर लेटर के फॉर्मेट में, मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, तो मैं कुछ बढ़िया से रिज्यूमे आपके लिए ढूंढ के बता दूंगा, या जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं शेयर कर दूंगा जेनेरिक वाला। और हाँ एक बात ज़रूर है कि सेम साइज फिट ऑल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले का टेलर्ड रिज्यूमे बनाइए, बिल्कुल उसके जो कीवर्ड है वो कीवर्ड डालिए, और वो आपको आना भी चाहिए चीज़, ऐसे नहीं कि आपने डाल दिया और आपको आती नहीं है, क्योंकि यहाँ जो स्क्रीनिंग होती है ATS से होती है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर से, तो आपका रिज्यूमे वहीं से सेलेक्ट होता है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। अगर उसमें आप कीवर्ड नहीं डालेंगे, वो सिर्फ कीवर्ड पुल करता है, तो आपकी जो आपका रिज्यूमे है वो सेलेक्ट नहीं होगा और आपको कोई कॉल नहीं आने की। तो इस बात का बहुत ध्यान करिए और उसी के हिसाब से अपना रिज्यूमे प्रिपेयर कीजिए। एक जेनेरिक रिज्यूमे बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया, तो एज़ पर दी जॉब रिक्वायरमेंट मैं उसमें कीवर्ड
डालते रहता हूँ जो मुझे आते हैं, हटाते भी रहता हूँ। कभी ऐसा होता है कि हमने अपने रेज्यूमे से वो चीज़ें हटा दी होती हैं जो उनने पूछी हैं, क्योंकि रेज्यूमे आपको 2 पेज पे लिमिट करना है, यही एडवाइस करते हैं यहाँ पे। तो वो चीज़ें आप डाल सकते हैं, और जो रिक्वायरमेंट में नहीं चाहिए जॉब रिक्वायरमेंट में, और जो चीज़ें नहीं चाहिए और आपने डाली हैं उनको आप हटा सकते हैं। तो यही बेस्ट रहेगा अप्रोच, तो वही करिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, गंदा लगा तो डिसलाइक करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए और आपको क्या देखना है। तो टिल देन थैंक यू, बाय बाय, और हैप्पी जॉब हंटिंग। थैंक यू।